सर्दियों के कपड़े और जो नहीं पहनोगे वो इसमें डाल दो। ये मेरे कुछ ज्वेलरी बॉक्स है। नहीं, क्या बोला था मम्मी पापा ने, वो तो दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, पीकू के पापा आज अपनी अलमीरा को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। बिकॉज क्या होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ये ऑफिस जा रहे होते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, तो बेचारे चुपचाप अपनी अलमारी में से ऐसे ही निकाल लेते हैं कपड़े और सारी अलमारी लगी लगाई ख़राब हो जाती है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि सुरेंद्र जी के सारे कपड़े ए टू जेड हम सही से रखेंगे, जिसमें उनकी शर्ट्स अलग, पैंट्स अलग और कुछ अलग जो भी ये बोलेंगे वैसा करेंगे हम। चलो देखिए कैसे कर रहे हैं। रनू पीकू पापा की हेल्प कर रहे हैं, जो कि हेल्प कम परेशान ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे भी करेंगे। चलो पीकू आप भी करो। मम्मा पर हमारे तो नहीं रखोगे ऐसे? आपके भी रखेंगे बेटा, क्योंकि ऐसा करेंगे अलमारी में ऊपर सुरेंजी कपड़े, नीचे पीकू के कपड़े, पीकू और सुरेंजी के एक उसमें, मेरे और रणवीत के एक उसमें, ठीक है? ये सीधा नहीं है, ये टी शर्ट है पापा, ये टी शर्ट है, ये सही में बोल रहा स्वेटर है ये। मैं सोच रही हूँ ये नीचे से भी सारे कपड़े जो है ना, ये क्या बेडशीट्स वगैरह हैं, इनको भी निकाल के अलग से बेडशीट इसमें डाल दो। हाँ, ये सारी बेडशीट्स यहाँ से निकाल के अलग, और ऊपर भी थोड़े से मेरे कपड़े रखे हुए हैं, ऊपर जो मेरे कपड़े रखे हुए हैं इन्हें भी हम निकाल देंगे और सुरेंद्र जी की पूरी अलमारी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। नहीं पहनूंगा मैं ये शर्ट, बिल्कुल सुनहरी है। तो जो तुम्हें देनी है वो निकाल के इस वाले बकेट में डाल दो सर्दियों के कपड़े, और जो नहीं पहनोगे वो इसमें डाल दो। ये देखो रनू को, देखो रनू अलमारी में ही आ गया। रनू उठो बेटा, चलो ये मेरे कुछ ज्वेलरी बॉक्स है, इन्हें भी निकाल लेती हूँ, आपसे शेयर करूंगी क्या है। ये कैसा पाउच है अजीब सा, गोल्डन पाउच। ये भी मेकअप बैग लग रहा है, कोई तो भारी नहीं है। इसमें कुछ अच्छे कपड़े रखे हैं तो मेरे लिए तो फिर अच्छी खबर है। बेबी इसमें मैं वो रख सकते हूं क्या, इसमें चुन्नी पहले ना मुंह से क्या चुन्नी ला। पापा मेरी जैकेट रखी है, ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, यूनिकॉर्न होता है या फिर क्या, यूनिफॉर्म है ये तो। पापा पापा इसको थोड़ा ऐसे कर दो एंगल भैया, इस महात्मा के लिए मेरे पजामे में पा रहा है मुझे। ले पास कर ले, अभी बस हमारा भी काम हो ही जाएगा। क्या कर रहा है? ये जो बंडल बांधा हुआ है ये उन कपड़ों का है जो हम ऊपर अपने सूटकेस में रख देंगे। थोड़े से वो भी है, टॉवल छोटी सी, सारे नीचे रखो।
आधे कपड़े जो प्रेस के हैं वो बांध के रखे हैं। इस टब में वो कपड़े हैं जो हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। रनू के नए कपड़े निकले जो कि उसकी बुआ ने दिए थे, इनको अब यूज करेंगे। ये देखो, ये मेरे पजामे जो कटे थे ना नीचे से, ये इसके इनको काम आ गए, स्कार्फ बन गए। दिखाना पीकू, स्टाइलिश वाले वो बन गए इनके। अब हम अंकल के घर पे जाएंगे। ये सारी चीजें अभी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसको करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यार। ये बस हो गई। कहाँ हो गई यार, इतना एक घंटा लग गया। मैंने तो मेरी अलमारी सजा दी है, ऊपर मैंने चुन्नीज और अपने लेगिंग वगैरह रख दिया है। यहाँ पे ये डेली यूज के कपड़े हैं मेरे, जो मैं डेली वेयरिंग में पहनती हूँ, मेकअप वगैरह का सामान। ये यहाँ पे गाउन्स वगैरह जो वन पीसेस हैं वो रख दिए मैंने, मेरा तो हो गया। अक्षित और रणवीर के कपड़े, यहाँ सुरेंद्र जी के कपड़े, यहाँ अपनी बेबी, यहाँ कैप रखोगे। इतनी खाली जगह मुझे ही दे दो, मैं ही अपने कपड़े रख लूंगी यार। अभी ऐसी रखी हैं, बताओ मेरे पास कमी पड़ रही है कपड़े रखने की, मेरे को ही दे दो आप। नहीं, वो अभी इसमें और भी आएगा ना सामान, अभी मेरा आना है इसमें। ये सारी चीजें रह गई हैं, इसको सुरेंद्र जी देखेंगे, नहीं तो, और नहीं देखेंगे तो मैं ही देख लूंगी। मैं जा रही हूँ लंच बनाने, बज गए 11 बजे। तब बज गए 11 बजे, बैठे थे हम करने नाश्ता करके और इतना टाइम हो गया। कुछ सूट्स हैं वो मैंने पारुल के लिए निकाल दिए, जो मैं नहीं पहनती हूँ वो पारुल के लिए निकाल दिए। हालत हो गई है ख़राब। चलो मैं जा रही हूँ लंच बनाने। ये देखो यहाँ पे भी हम थोड़े से पढ़, बेबी गलती तो नहीं कर दी है अलमारी करने का, कर देंगे ना, हो जाएगी। ये पारुल आई है 2 दिन की छुट्टी के बाद, पारुल शादी में गई थी। पारुल कैसी रही शादी? क्या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो लंच में बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी और मटर जीरा पनीर राइस। तो उसके लिए मैंने ये 2 टमाटर ग्राइंड करूँगी। बच्चे अपने फ्रूट्स खा रहे हैं, तब तक मैं लंच बना रही हूँ। जब तक यहाँ मेरी प्याज फ्राई हो रही है, मैं लहसुन टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर रही हूँ, साथ में प्यूरी बना रही हूँ। ये मैंने पनीर पहले से ही सॉटे करके रखा हुआ है, इसमें मैंने सारे मसाले डाले हुए हैं और मैंने फ्राई कर लिया था इसको। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए उसमें ये प्यूरी डाल दीजिए, जब ये अपना कलर छोड़ दे तो इसमें मसाले डाल दीजिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और फिर मसालों को अच्छे से भून लीजिए। एक बार जब ये मसाले हो जाएं, देखिए कितने अच्छे से ये मसाले हो गए हैं। इसमें जो आपने सॉटे करा हुआ पनीर है उसको डाल दीजिए। पनीर में मैंने सारी मसाले ऑलरेडी डाल दिए थे, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको ऐसे डाल दिया है। अब ऊपर से इसमें 2 कप पानी डाल दीजिए तो आपका इंस्टेंट पनीर तैयार और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। ऐसे इसमें हरा धनिया डाल दीजिए और 5 से 10 मिनट फिर से इसे चला दीजिए ताकि इसका पानी और फूक जाए। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अपने राइस। राइस के लिए हमने कुकर में घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, घी गर्म होते ही लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता इसमें डाल दिए, ऐसे लंबी लंबी प्याज इसमें काट के डाल दी। थोड़ा सा इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, ऊपर इसमें मटर और पनीर डाल देंगे, उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद अपना 2 ग्लास मैंने इसमें चावल लिए हैं, 2 ग्लास में मैंने 4 ग्लास पानी लिया है और नमक डाला है। ये देखिए अब हमारा पनीर हो गया तैयार, इसको मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ हमारे साइड में राइस बन रहे हैं, बस यहाँ नमक डाल दिया, पनीर रेडी, अब चावल भी रेडी हो जाएंगे। हाँ, मैंने इसमें दालचीनी भी डाली थी, वो मैं भूल गई बताना। इसमें अभी 2 सीटी लगेंगी और फटाफट से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। इसमें एक्स फैक्टर लाने के लिए हम हरा धनिया, फ्रेश धनिया इसमें काट के डाल देंगे। जब तक राइस बनते हैं तब तक चलो अपना टेबल ही लगा लेते हैं। ये हम चारों की प्लेट
कल रात की जो मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाई थी वो भी बची हुई थी, तो हमने सोचा आज राइस बनाए हैं तो राइस के साथ भी उसे ट्राई करते हैं। तो हम तो चले यहाँ पे अपना इंजॉय करने। ये देखिए राइस कितने टेस्टी बने हैं, एकदम खिले खिले, बिकॉज इसमें हमने घी डाला था, दही ली है हमने, और सब्जी बहुत यम बनी थी। सीरियसली आप लोग ज़रूर ट्राई करना। होप आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, हम लोग अपना खाना इंजॉय करते हैं, आप लोग भी बनाएं और इंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रनू पीकू एंड मॉम व्लॉग्स। टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।